हेलो माय लवली पीपल, दिस इज सिनोडमिक्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, दुर्गा पूजा इज नॉकिंग ऑन द डोर, द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बंगाल, स्पेशली इन कोलकाता। इट्स नॉट इन कोलकाता, इट्स ऑल ओवर द सिटीज, इवन आई शुड से दैट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट कोलकाता में दुर्गा पूजा वाली जो फीलिंग है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे तो चेन्नई में भी देर वर आर लॉट ऑफ एंजॉयमेंट्स फॉर दुर्गा पूजा। कल्चर का तरीका जो भी है वो एवरीथिंग सेम ही लगभग एक ही रहता था, बट डेफिनेटली यू डोंट गेट द फीलिंग इन अनदर सिटी विद अनदर कल्चर। मतलब समझ पा रहे हो ना, कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाने का कुछ अलग ही है। सो हार्डली देयर आर अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर दुर्गा पूजा। डेफिनेटली तो फेस्टिवल टाइम है, ओकेशन टाइम है, तो हम क्या करते हैं, अपने लिए नए नए कपड़े लेते हैं, अपने लिए नए नए जूते लेते हैं, क्या क्या नहीं करते यार, हर एक चीज़ नहीं करवा लेते हैं। तो एनीवेज सब कुछ नया होता है, तो मैंने भी सोचा कि भाई सिनोरिटा को बुरा ना लगे, तो इसलिए सिनोरिटा के लिए भी थोड़े से कपड़े मैंने ले लिए हैं। हाँ जी, सिनोरिटा मेरी बाइक, बजाज एवेंजर 220, आपने सही पकड़ा है, मेरी अपनी सिनोरिटा है, तो उसको बुरा ना लगे इसलिए मैंने नए कपड़े ले लिए हैं दुर्गा पूजा के लिए। एंड डेफिनेटली उसको बुरा लग गया तो समझ पा रहे हो ना, हाईवे पे जाके अपने क्या क्या जलवा दिखाएगी पता नहीं चलेगा। आई एम गोइंग टू गिव यू दी एंटायर डिटेल्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, ऑल दी मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन टू माई बाइक सो फार ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो कहाँ कहाँ से मैंने खरीदा है, उसका प्राइस वगैरह जो भी है, आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग, ऑल दी डिटेल्स। सो टुडे द डेट इज 10th ऑफ अक्टूबर एंड आई वॉज देयर इन वेलिंगटन डे फॉर यस्टरडे, दैट इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने वेलिंगटन जाते वक्त या मॉडिफाई करते वक्त वो जो भी शूट करके दिखाना था वो मैंने आपको शूट करके दिखा नहीं पा रहा हूँ इस वीडियो पर। मैंने उस दिन ब्लॉग की शुरुआत तो ठीक ठाक की थी, लेकिन इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन इन वेलिंगटन उसकी वजह तो आपको पता ही होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव योर बाइक समवेयर एंड यू गो समवेयर एल्स, तो थोड़ा सा टेंशन रह जाता है। तो मैंने सोचा कि यार जो भी काम है पहले यहाँ से निपटा लेता हूँ, उसके बाद जो भी दिखाना है आपको अलग से वीडियो बना के दिखा लूँगा। ओके, तो सबसे पहले सिनोरिटा पे ये दोनों पीले रंग की आंखें लगाई है मैंने। एज यू कैन सी दिस आर बेसिकली दी फॉग लैम्प्स एंड दिस इज ऑफ 20 वॉट्स ईच, मतलब 20 यहाँ पे 20, तो कुल मिला के हो गया 40। तो 40 वॉट की लाइट्स जलेगी जब मैं इसको जलाऊंगा सिर्फ। तो बेसिकली ये जो LEDs है इसमें दो वेरिएंट्स के आते हैं, एक तो आप देख रहे हो कि दिस इज़ अ लिटिल डार्कर टिंट, दैट इज़ ऑरेंजिस टिंट, लेकिन जो लाइट निकलेगी यहाँ से वो येलो रंग के ही निकलेगी। एंड इसके जो दूसरे वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा आपको येलो टिंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो लाइट है वो खास नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर तक वो जाती नहीं है लाइट। मैंने जला के देखा है वहाँ पे, और शॉपकीपर जो थे उन्होंने भी यही रिकमेंड किया, तो मैंने यही ले लिया। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग, इसका पावर मैं रात के अंधेरे में ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो इसे लगाने के लिए ना तो मैंने कोई वेल्डिंग की है, ना तो मैंने कोई ड्रिलिंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई डिड नॉट वॉन्ट टू ड्रिल और आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेल्ड ऑन दी लेग गार्ड, ताकि मैं फ्यूचर में अगर इसको रिमूव करना चाहूँ तो आसानी से कर सकूँ और उसमें कोई नुकसान भी ना पहुँचे लेग गार्ड में। तो ये क्लैंप जो है लाइट के साथ ही आता है, और नीचे जो क्लैंप मैंने लगाया है यहाँ से लेके ये जो घूम के यहाँ पे आया है, दिस इज़ अ सेपरेट वन, तो ये आसानी से मिलता नहीं है। तो वेलिंगटन मार्केट में दो तीन दुकान आप ढूंढोगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, एक 25 रुपए का पड़ता है। तो इसको घुमा के मैंने लगवाया है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, तो मैं बाद में लोहे का पत्ती बना लूँगा जिसके सहारे मैं इसको लगा सकूं। तो बस काम चलाने के लिए मैंने फटाफट लगा लिया था ये। सो दैट्स दी वे आई हैव फिक्स दी फॉग लैम्प्स ऑन माई लेग गार्ड, तो यही है, ये आपको दिखाना था, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए तो इसलिए मैंने दिखा दिया। एंड सेकेंडली लॉन्ग राइड में टेंट में रहने से चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो एक्शन कैमरा हो, उसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सुबह चार्ज करने को नहीं मिलता है, रात को भी कहीं चार्ज पर डाल नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंस्टॉल्ड दिस USB चार्जर, यस दिस इज़ अ USB चार्जर, और आप यहाँ पे मोबाइल रख के आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चार्जर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मोबाइल फ़ोन या एक्शन कैमरा कुछ भी हो USB के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो इसके आसानी से। यहाँ पे एक छोटा सा एक स्विच भी दिया हुआ है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का यहाँ पे एक स्विच भी है,
तो आप अगर चाहते हो कि इसको ऑफ करके रखने का तो भी कर सकते हो, ऑन करने का तो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू हैव गॉट अ वाटरप्रूफ कैप ओवर हेयर, तो इस कैप को हम लगा के रख सकते हैं और चार्जिंग करते वक्त खोल के रख सकते हैं। तो चाबी मैंने डाल दी है, तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट्स जल रही है। तो मैंने अंधेरा कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से पता लगे, विच इंडिकेट्स दैट योर चार्जर इज़ कनेक्टेड, नाउ यू कैन चार्ज योर मोबाइल और यू कैन चार्ज एनीथिंग दैट यू वांट। सो लेट मी नाउ जस्ट कनेक्ट माय सेलफोन ताकि आपको पता लग जाए कैसे होता है वो। तो चार्ज हो रहा है, इट्स गेटिंग चार्ज, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं पहली बार ही चार्ज करके देख रहा हूँ, वहाँ पे तो देखने का मौका नहीं मिला, बस इंस्टॉल करा के फिर वहाँ से निकल आए। तो आगे से शायद हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आसानी से चार्ज कर पाएंगे ऑन दी गो, और एक्शन कैमरे को भी चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो XJCAM का एक्शन कैमरा है इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू गेट चार्ज्ड। तो रात को भी बिठाते वो 6-7 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑप्शन, बट लवली पीपल, मैं पर्सनली इसमें मोबाइल रख के ज़्यादा दूर तक जाने की सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो क्वालिटी है इसकी दिस इज़ नॉट दैट स्टर्डी। लेकिन मेरा जो पहला वाला मोबाइल होल्डर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टर्डी है, इसमें मैं मोबाइल रख के ऑफ रोडिंग भी की है मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि चार्जिंग का पॉइंट यहाँ से निकाल के फिर मोबाइल को यहीं पे मैं होल्ड करा कर रखूँगा, ताकि कुछ हो ना जाए, मोबाइल गिर ना जाए यहाँ वहाँ। और ऊपर से मैंने ये दो नए इंजन ऑयल भी ले लिए हैं, ताकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं है, स्टॉक रखना चाहिए। वैसे इसका प्रिंटेड प्राइस है 775 रुपीज़, तो बट मुझे पड़ा है 700 H, तो काफ़ी अच्छा डील लगा मुझे, इसलिए मैंने दो ले लिए हैं। सो इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे, तो यू कैन जस्ट गो एंड पीप इन टू द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप भी लगा सको वहाँ से लेके। So that was all about the modifications that I have done so far in my bike on that particular day. 8 तारीख को जो भी मैंने modification करवाया है, that was all about that. और उसके बाद मैंने, हाँ जी, this is my new helmet, all brand new helmet from MT. तो इसका unboxing मैं बाद में करूँगा, I'm not doing any unboxing of this particular helmet in this video itself, क्योंकि मुझे पता है कि video lengthy हो रहा है and definitely you people will get bored. तो unboxing तो पहले हो चुका है, मैं shop में मैंने अपने सिर पर बिठा के try कर लिया, तो definitely वो तो करना ही था, but फिर भी आप लोगों के लिए unboxing वाला unboxing करूँगा, समझ पा रहे हो ना। And definitely मैंने अब तक किसी को use नहीं किया, and इसके अंदर जो भी setup लगने वाला है, जैसे कि intercom setup, action camera का setup जो भी है, अभी तक मैंने लगवानी है। उन सारी चीज़ों को लगवाते वक्त मैं एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मॉडल ब्लॉगिंग सेटअप किया जा सकता है इन अ प्रॉपर वे ऑन अ हेलमेट। एंड उसके बाद मैंने और एक चीज़ भी ली है, आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। सो ये है आपका नी पैड एंड एल्बो गार्ड जो भी है, दिस इज़ फ्रॉम स्कॉयको। एल्बो गार्ड तो मैं ऐसे भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आई हैव दी जैकेट, आई हैव दी राइडिंग जैकेट फ्रॉम क्रैम्पस्टर, तो वही मैं पहनता हूँ। एंड डेफिनेटली एंड आई यूज टू यूज़ दी प्रो बाइकर नी पैड, जो भी हो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, तो प्रॉब्ली हेलमेट वाला वीडियो में आपको ये मैं कवर करके दूंगा, जो भी है इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ये। और इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा तो अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत दूर, हाँ जी, प्लान बन रहा है, तो एंजॉय करोगे इतना तो बता रहा हूँ मैं। प्लान कुछ अभी तक बना नहीं है, डेफिनेटली प्लान कुछ बनने वाला है, तो आपको पता तो लग ही जाएगा। एंड तो जो भी हो सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत सारी वीडियोस आने वाली। तो अब समझ रहे हो ना, मतलब फटका कहाँ से लगा, 11,000 का फटका लग गया भाई, बहुत ही ज़्यादा है शायद, बहुत ही ज़्यादा है। एनीवेज अब सेफ्टी के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है साहब जी, बता रहा हूँ मैं, हाँ जी आपको मैं बता रहा हूँ, वो सेफ्टी के लिए कुछ भी करना पड़ता है, सही बता रहा हूँ आपको, कुछ तो कम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। अब राइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेशली कोई भी काम आप कर रहे हो, डेफिनेटली सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना बात को। अभी भी देख रहा हूँ मैं, कोलकाता में सिटी में हो, कहीं भी हो, मतलब बहुत सारे जो है हेलमेट नहीं पहनते यार, हेलमेट पहनने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हेलमेट पहना करो यार, आप कहीं भी गिरोगे ना, पहले ना दिमाग में चोट आती है, उसके बाद आपके बदन में छोटी मोटी खरोच भी आ जाए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में अगर चोट आ जाए ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो शायद आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको शायद थोड़ा सा सेंस होगा, आप बहुत सारे को देखते हो या बहुत सारों ने कहा है कि भाई हेलमेट पहना करो, तो आप में ये थोड़ा सा सेंस होगा,
लेकिन जिस जो मतलब ये वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं, जो कि इस दुनिया से बहुत दूर हैं, तो उन लोगों को आपको समझाना है जो कि समझती नहीं है, जिनके दिमाग में ये बात जाती नहीं है, तो उनको थोड़ा सा समझा दो ताकि कि जान जो है बच जाए। किसी महान व्यक्ति ने कहा होगा, जान है तो जहान है। बात में गहराई है, समझा करो यार। भाई रास्ते में बहुत सारे मिलते हैं ऐसे हेलमेट पहने बिना जो गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने उनसे कभी कभी कह भी दिया कि भाई हेलमेट पहना करो, भाई हेलमेट तो अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हेलमेट पहनने से ना हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। बात कैसी हुई है बताओ, कैसी बात है बताओ। मुझे ना हंसी भी आती है, बहुत गुस्सा भी आता है। भाई हेलमेट पहनने से कैसे दिखाई नहीं देगा, ये समझ में नहीं आता। आप यहाँ से, आप अगर मान लो कि भाई यहाँ से आप मार्केट तक भी जा रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, मतलब 500 मीटर की दूरी है, तो उसमें भी आपको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। मैं तो पहनता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं मार्केट भी जाऊँ ना 500 मीटर की दूरी पे, मैं बाइक लेके जाऊँ ना, फिर भी मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।